हे गाइस, वेलकम टू द आर चैनल। और आज मेरे साथ मौजूद हैं राम रतन की स्टार कास्ट। चलिए उनसे जानते हैं मूवी के बारे में कुछ और रोचक बातें। मैम, सबसे पहले फिल्म के बारे में बताइए। फिल्म का नाम है राम रतन, जैसे आप बता चुके हैं। मैं हूँ रतन और ये है राम। और ये फिल्म एक फैमिली एंटरटेनर है और ये कहानी है एक कपल की जो अपने मैरिड लाइफ में कौन से क्या क्या प्रॉब्लम्स के थ्रू गुजरते हैं और बीवी जो है वो सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करती है और वो सॉल्यूशंस निकालने के चक्कर में हस्बैंड जो है गलती कर बैठते हैं और वो गलती को सुधारने के चक्कर में ये लोग कौन से सिचुएशंस में फंसते हैं। हाँ, कौन कौन से घन चक्कर हो जाते हैं। हाँ। तो ये है हमारी फिल्म की कहानी। हमने खूब धमाल किया है फिल्म में और हमारी फिल्म भी एंटरटेनिंग फिल्म है। इसमें कोई भी हार्ड हिटिंग ड्रामा कुछ ऐसा नहीं है। इसमें मस्ती के थ्रू पूरी फिल्म बताई गई है और खूब सारा एंटरटेनमेंट है और धमाल है। तो और जो मेरा किरदार है वो राम का है। वो किरदार है जो बहुत अमीर है और बिगड़ा हुआ है और घर में वाइफ है मगर बाहर जो है उसे आते हैं मुंह मारने की। तो उसमें कैसे फंस जाता है, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और जो रतन है कैसे गेम प्लान करती है, फिर उसके ऊपर मेरा काउंटर गेम प्लान है, फिर कंफ्यूजन है, बहुत क्योस है। हाँ, बहुत गोलमाल है। केजी मैम से आपने क्या सीखा है, एक्टिंग या डांस? यार मैंने हमने हमने सीखा है एक अच्छा ह्यूमन यार हम दोनों फर्स्ट डे ही अच्छा जल कर गए थे। तो इसने डांस स्टेप्स में भी काफ़ी इसने मुझे बताया कि कुछ कुछ जगह पर मैं बहुत छोटे जेस्चर कर रहा था, याद है? तो इसने मुझे बोला कि थोड़ा सा लाउड कर, वो रजिस्टर होता है वो। हाँ, तो नहीं ऐसा नहीं हुआ, मगर ये था कि कहीं कहीं जगह आपको लाउड जेस्चर्स चाहिए होते हैं डांस में, तो वो मेरे रिस्ट्रिक्टेड थे। तो डिजी बोलती थोड़ा सा लाउड कर, वो ज़्यादा अच्छा स्क्रीन पे नज़र आता है। तो और आप हर पल पे यार हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हो और केमिस्ट्री बिल्डअप बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। हस्बैंड वाइफ हम लोग ने कैमरे पे प्ले किया है, वही ऑफ स्क्रीन भी हम लोग प्ले करते थे। हम इतना झगड़ते थे एक दूसरे के साथ, मतलब वो अच्छा वाला झगड़ना था, वो बुरा वाला नहीं, मस्ती वाला। जी, पहला मोबाइल जब बायस का रोल अदा कर रहे। जी जी, तो उसका एक्सपीरियंस बताइए। यू नो, अच्छा लगता है कि आपको नए नए कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिलता है। और जैसे एक फैमिली फिल्म होती है जिसके अंदर भाई भाभी मम्मी पापा हस्बैंड बीवी सब लोग होते हैं, तो एक अलग माहौल होता है फिल्म शो जब हम लोग फिल्मिंग करते हैं। और इसमें अच्छा ये है कि जब भी ये शादी करेगी ये वाली डीवीडी उसको दे देगी, बेटा ये देख ले पहले। हाँ, है ना। हाँ, मतलब ये वार्निंग के बतौर मैं दे दूंगी मेरे टू बी हस्बैंड को कि ये देख लो, मतलब अगर कहाँ कुछ गलती की तो फिर सोच लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। ऑडियंस को मैसेज ऋषि बोलेंगे। मैं दिल्ली की ऑडियंस को ये बोलना चाहता हूँ कि ये दिल्ली के लोग होते भी दिलदार हैं और हमारी फिल्म भी जो है ओपन हार्टेड है, मस्ती धमाल है और दिल्ली के लोगों को तो खासकर बहुत पसंद आएगी। और मैं चाहता हूँ कि 3 नवंबर को जाकर आप सब लोग राम रतन देखिए, मस्ती करिए, जब अंदर जाएं तब भी धमाल करिए, जब बाहर आएं जब भी धमाल करिए। जाइए देखिए ताकि आपको पॉइंट्स पता चले कि पति को भाई कैसे रास्ते पे लाना है। और सारे हस्बैंड भी देखिए।